आज हम जानेंगे कि भारत के पास ऐसे कौन से हथियार है जिसके वजह से हमारे दुश्मन हमारे तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। तो शुरू करते हैं। भारत ने ऐसे कई हथियार डेवलप किए जो दुनिया में बेहद खास और उन्नत किस्म के हैं। तो पहले नंबर पर आता है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो आवाज़ की गति से 3 गुना ज़्यादा तेज चलती है। ये यही मिसाइल है जो कुछ महीने पहले पाकिस्तान में घुस गई थी तकनीकी के खराब के कारण। भारत ने इसे रूस के सहयोग से बनाई है। ये भारत की एक बहुत उन्नत किस्म की एडवांस मिसाइल है जो हवा से, पानी से, जमीन से और सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है। और ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है जो 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसी क्रम में दूसरे नंबर पर आता है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल भारत की एक उन्नत किस्म की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 5 वर्जन में बनी है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। और कुछ ही महीनों पहले भारत ने एडवांस अग्नि प्राइम मिसाइल का भी टेस्ट किया था जो कि सफल रहा था। और ये सभी के सभी मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है जो इसे ताकतवर मिसाइल बनाती है। अगर हम बात करें अग्नि 5 की तो ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार कर सकती है। अग्नि 5 के रेंज में पूरा का पूरा पाकिस्तान और पूरा का पूरा चीन आ जाता है जिनको हम किसी भी वक्त धूल चटा सकते हैं। अग्नि 5 की रेंज करीबन 5,500 किलोमीटर से 8,000 किलोमीटर तक है। इसी क्रम में बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जहाज है युद्धपोत जो कि 45,000 टन भारी और 20 मंजिला ऊंचा है और 243 मीटर लंबा है जो करीबन 3 फुटबॉल मैदान के बराबर होता है। INS विक्रमादित्य में एक समय में 30 लड़ाकू विमान, 10 हेलीकॉप्टर और 1809 सैनिक मौजूद रहते हैं जो एक चलता फिरता शहर के बराबर है। इसकी स्पीड की बात करें तो ये 31 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है। और भारत का स्वदेशी INS विक्रांत इसी साल भारत की नौसेना में शामिल हो जाएगा। इससे भारत की नौसेना शक्ति दोगुनी हो जाएगी। इसी क्रम में चौथे नंबर पर आता है SU-30 MKI और राफेल। राफेल और SU-30 MKI दुनिया के सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान में माने जाते हैं। राफेल और SU-30 MKI दोनों साथ में ऑपरेट करना शुरू कर दें तो किसी भी दुश्मन के लिए ये मुकाबला आसान नहीं होगा। SU-30 MKI जो रूस निर्मित है और राफेल जो डसॉल्ट राइफल फ्रांस ने बनाया। SU-30 MKI को भारतीय नौसेना की और भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। अभी फिलहाल भारत के पास 200 SU-30 MKI मौजूद है और 36 राफेल मौजूद है और भारत ने कुछ ऑर्डर दिए हैं। अभी आगे इसी क्रम में बात करें तो 5वें नंबर पर आता है INS अरिहंत। INS अरिहंत भारत की परमाणु संचालित पनडुब्बी है जो कि परमाणु बिजली से चलती है। INS अरिहंत 6,000 टन वजनी पनडुब्बी है जो कि किसी भी दुश्मन की पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। ये पानी के अंदर लगातार 40 दिनों तक रह सकती है क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा से चलती है तो नीचे अभी परमाणु ऊर्जा बना सकती है। भारतीय नौसेना ने INS अरिहंत को 2016 में कमीशन किया था। INS अरिहंत जो कि 750 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक मार कर सकती है, ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत जल्द ही INS अरिहंत जैसी 3 और सबमरीन बनाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सिर्फ मिसाइल के बारे में जानना चाहते हैं कि भारत के पास कितनी मिसाइल है, कितने कितने रेंज की मिसाइल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो चाहिए या ना चाहिए। जय ज्ञानचंद।